हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल टूट गया था जनता को शुद्ध पानी पहुंचाना, ये कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी की बात किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार सरकार की तमाम योजनाओं में सुमार नल जल योजना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर जहां एक तरफ कई आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं अब मंत्रियों ने इसके सुधार का भरोसा दिलाया है। क्या है पूरी खबर, दरअसल वो समझिए। बिहार सरकार की नई योजनाओं में सुमार नल जल योजना सरकार के लिए सबसे अहम बनी हुई है। बता दें कि बिहार में सरकार के पार्टनर बदलने के बाद अब नई योजनाओं को लेकर बिहार की नई सरकार भी इसे लेकर गंभीर दिख रही है। हाल के दिनों में कटिहार से नल जल योजना के मुद्दे पर पूर्व विधायक नीरज यादव और DDC की तनातनी की चर्चा भी सुर्खियों में रही थी। वहीं PHED मंत्री बनने के बाद कटिहार पहुंचे PHED मंत्री ललित यादव को कई आरोपों का सामना भी करना पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये एक तरह से एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर नल का जल पहुंचाना, उसमें भी शुद्ध पेयजल। तो हम लोग उसी क्रम में आपके कोसी गंगा कोई बड़ी गड़बड़ी है उसको भी आप लोग उजागर करिए। विभाग के लोग, संभव नहीं है हर जगह हर गड़बड़ी तक पहुंचना। हम तो मीडिया के साथियों को भी कहना चाहते हैं, कहीं कटिहार जिला में, जो आज पूर्णिया हम जा रहे हैं, एक आध किलोमीटर भीतर भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन बड़ी गड़बड़ी जहां है आप ले चलिए, हम तत्क्षण तुरंत कार्रवाई करेंगे यहां से लौटने के बाद पटना से। लेकिन कहीं नल टूट गया, ये स्वाभाविक है, कहीं विद्युत दोष के कारण वोल्टेज नहीं मिला, टाइम से पानी नहीं आया, या टाइम, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जनता को शुद्ध पानी पहुंचाना, यदि उसमें कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी किया, विश्वासघात किया है, जो आपको गाइडलाइन विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, लोग शिकायत करेंगे, आपको फोन करेंगे, कितना दिन के अंदर आपको उसको समस्या का निदान कर देना है। जो हमारे टावर पर जो वाटर टंकी बना हुआ है, वहाँ जो मैन पावर है उसको, जो संचालक को समय पर पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ जगह ये भी शिकायत आई है, कुछ जगह नल वगैरह टूटा हुआ रह जाता है लंबे समय से, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी बात है, हम लोग देखे हैं और बहुत सारे साइट पर गए हैं, जो भी देखे हैं हम। तो सुना आपने, PHED मंत्री ललित यादव ने जल्द ही इस योजना में व्याप्त खामियों के सुधार का भरोसा दिलाया है। तो बता दें आपको कि बिहार सरकार की सबसे अहम योजनाओं में सुमार नल जल योजना में एक तरफ जहां कई खामियों की चर्चाएं सामने आई, तो वहीं आपको बता दें कि सरकार अब इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और सरकार ने अब ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इसके खामियों को पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाजत, नमस्कार।